हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे अगर हमारे पास कोई यहाँ पर नो पिक्चर में पैनल आता है या फिर कोई पैनल आता है आपके पास रिपेयर होने के लिए, तो उसके हम वोल्टेज कैसे चेक करते हैं या फिर अगर उसमें कोई लाइनिंग बार आता है तो उसको हम कैसे चेक करते हैं। तो अभी जो हमारे पास यहाँ पर जो एक पैनल आया है, इस पैनल में कंडीशन क्या है, इसमें काफ़ी सारी लाइनिंग आ रही हैं और उसको हम लाइनिंग बार बोलते हैं। तो इसकी हम वोल्टेज चेक करते हैं और इसको हम आपको पावर देके दिखाते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको पावर दिया, पावर देने के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस तरीके की प्रॉब्लम इसमें कुछ देखने के लिए हमें मिल रही है। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल रही है तो हो सकता है कि आपकी कॉप भी बर्न हो सकती है या फिर आपकी आईसी भी ख़राब हो सकती है, टीकोन आईसी, या फिर हो सकता है कि कोई वोल्टेज मिसिंग हो जिसकी वजह से ये आपकी प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही हो। तो सबसे पहला जो काम होता है, हमें इसमें सभी इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट वोल्टेज चेक करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी वोल्टेज चेक कर लेते हैं, जो भी इसकी वोल्टेज होती है चलने के लिए रिक्वायरमेंट जो चाहिए होती है। तो यहाँ पर हमने मल्टीमीटर को डीसी रेंज पर सेट कर लिया है। डीसी रेंज पर सेट करने के बाद यहाँ पर जो हम सबसे पहले चेक करते हैं, वो चेक करते हैं हम 12 वोल्ट, जो कि हमें यहाँ पर एलवीडीएस पे देखने के लिए मिलते हैं। तो आप यहाँ पर अगर देखोगे तो हमें 12 वोल्ट प्रेजेंट देखने के लिए मिल रहे हैं और यहाँ पर एक फ्यूज़ लगा है। फ्यूज़ के इनपुट अगर चेक करते हैं तो इनपुट में भी 12 वोल्ट है और अगर हम आउटपुट चेक करते हैं तो आउटपुट में हमें 12 वोल्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर ये 12 वोल्ट मिल रहे हैं तो ये 12 वोल्ट आपके इस डीसी टू डीसी आईसी में जाएंगे, जो कि डीसी टू डीसी आईसी फिर क्या करेगी, यहाँ से एक 3.3 बना के इस टीकोन आईसी को देगी और ये टीकोन आईसी एक इनेबल 3.3 के रूप में इस आईसी को देगी जब ये आईसी वोल्टेज को बूस्ट करना स्टार्ट करेगी। तो अगर हम बात करें इस आईसी की 3.3 की, तो हम 3.3 अगर चेक करते हैं तो पिन नंबर 8 पे चेक कर लेते हैं रोम के। अगर पिन नंबर 8 पे रोम की 3.3 वोल्ट हमें आ रहे हैं तो इस जो यहाँ पर टीकोन आईसी लगी है, इसके पास में काफ़ी सारे रेजिस्टेंस लगे होते हैं। तो रेजिस्टेंस पे अगर हम चेक करते हैं, यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो हमें देखो यहाँ पर 3.3 वोल्ट देखने के लिए मिल रहे हैं, यानी कि जो डीसी टू डीसी आईसी है, जो उसके अंदर एक बक कन्वर्टर लगा होता है, वो यहाँ पर इस टीकोन आईसी को 3.3 वोल्ट इस रेजिस्टेंस के द्वारा दे रहा है। यहाँ पर देखोगे तो 3.3 हमें वोल्ट मिल रहे हैं। अब अगर 3.3 वोल्ट मिल रहे हैं तो ये आईसी एक इनेबल वोल्ट आउट कर रही होगी, जो कि अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस लगे हैं। तो इस रेजिस्टेंस पे अगर हम चेक करते हैं तो एक 3.3 वोल्ट हमें यहाँ भी मिल रहा है। ये जो 3.3 वोल्ट है, ये 3.3 वोल्ट इस आईसी का एक इनेबल है। जब तक ये इनेबल नहीं आएगा, ये आईसी वोल्टेज को बूस्ट करना स्टार्ट नहीं करेगी। तो अगर इस पे 3.3 वोल्ट इनेबल आते हैं डीसी से, टीकोन आईसी से, तो ये डीसी आईसी क्या करती है, सबसे पहले जो वोल्टेज बनेगी आपकी, यहाँ पर अगर चेक करते हैं तो हमें जो वोल्टेज मिल रही है, आप यहाँ पर देखोगे हमें एवीडीडी वोल्टेज मिल रही है, जो कि हमारी बूस्ट वोल्टेज है एक। और डायोड का अगर इस सिरे पे मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 12 वोल्ट है और अगर मैं दूसरी साइड चेक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक बूस्ट वोल्टेज देखने के लिए मिल रही है, जो कि मेरी ये डीसी टू डीसी आईसी बूस्ट करने का काम कर रही है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं और वोल्टेज की, तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, जैसे हमारी एचएवीडीडी वोल्टेज बनती है, अगर एचएवीडीडी हम चेक करते हैं तो यहाँ पर हमारी एचएवीडीडी 7 वोल्टेज बन रही है। और इसके बाद वीजीएल और वीजीएच चेक करते हैं, तो अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक वीजीएचपी का पॉइंट है, तो अगर वीजीएचपी पे हम चेक करते हैं तो यहाँ पर हमें बूस्ट यानी 30 वोल्ट के अराउंड यहाँ पर वोल्टेज मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 29.99 यानी कि यहाँ पर मिल रहे हैं, तो यानी कि ये 30 वोल्ट हमारे बिल्कुल परफेक्ट है, स्टेबल है। इसके बाद अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर एक डायोड लगा है और इस डायोड पर अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे हमें वीजीएल की वोल्टेज मिल रही है। अगर इसकी सभी वोल्टेज बन रही है और आपके पैनल में ये कंडीशन आ रही है, तो आपको उस कंडीशन में ये जो यहाँ पर एक टीकोन आईसी लगी है, इस टीकोन आईसी के इम्पीडेंस चेक करने होते हैं आपको इसको रिप्लेस करने से पहले इम्पीडेंस इसलिए चेक करना है क्योंकि हमें कंफर्म होना चाहिए कि हमारी जो आईसी है वो ख़राब है या नहीं, तभी हम उसको रिप्लेस करते हैं। तो इम्पीडेंस कैसे चेक करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको करना है, इसको पावर ऑफ कर लेनी है। पावर ऑफ करने के बाद अपने एलवीडीएस कनेक्टर को रिमूव कर देना है, क्योंकि आप अगर इसको रिमूव नहीं करते तो रीडिंग में थोड़ा सा डिफरेंट आ सकता है। और अपने मल्टीमीटर को आपको सेट कर लेना है डायोड रेंज पर। तो यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ इसको डायोड रेंज पर। डायोड रेंज पर सेट करने के बाद आपको अपनी जो रेड वाली वायर है उसको लगाना है ग्राउंड पे, और अपनी जो ब्लैक वाली वायर है, उस ब्लैक वाली वायर से आपको जो इसमें पेयर्स जाते हैं उन पेयर्स पे आपको रीडिंग चेक करनी है। सभी पेयर्स पे सेम रीडिंग आपकी आनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ
तो यहाँ पर एक पेयर है जिस पे आ रही है मेरी रीडिंग 638, और अगर मैं दूसरे पे चेक करता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं दूसरे पे देख रहा हूँ तो मुझे भी यहाँ पर 638 के अराउंड मिल रही है, और अगर मैं नेक्स्ट चेक करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस पे भी सेम वैल्यू मिल रही है मुझे 638 के अराउंड, और अगर हम नेक्स्ट चेक करते हैं तो यहाँ पर भी देखोगे यहाँ पर भी हमें सेम वैल्यू मिल रही है 600 के अराउंड, और यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं नेक्स्ट तो यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर भी हमें सेम वैल्यू मिल रही है, और अगर हम चेक करते हैं तो ये क्या है कि लास्ट पेयर हमारा यहाँ तक ही है, ये हमारा यहाँ पर आ रहा है, जो यहाँ पर जो वैल्यू दिखा रहा है वो वैल्यू आपको दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखो 638, यानी कि इसकी जो इम्पीडेंस वैल्यू है वो आपकी सभी ओके है। तो यानी कि हमारी ये जो आईसी है, हो सकता है कि ये रस्ट हो गई हो जिसकी वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम भी आती है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इसको हम रिसोल्ड कर लेंगे। रिसोल्ड करने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर सबसे पहले इसकी चारों साइड पर आपको पेस्ट लगा लेना है। तो हम यहाँ पर पेस्ट लगा लेते हैं, यहाँ पर हम पिन पे पेस्ट लगाएंगे, और यहाँ पर आपको माइक्रो आयरन से काम करना है, ताकि आप अगर माइक्रो आयरन से काम करते हो तो क्या होता है कि जो इसकी बारीक पिनें हैं वहाँ तक आपकी शोल्डिंग हो पाती है सही से। तो यहाँ पर हम पेस्ट लगा लेते हैं, अगर आपको भी एलईडी एलसीडी रिपेयरिंग ट्रेनिंग कोर्स करना है तो आप हमारे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पर फुल डे पूरी प्रैक्टिकली क्लासेस होती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि ये कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, ये एक सर्विस सेंटर है, और सर्विस सेंटर में हमारे पास डायरेक्ट कस्टमर से सेट आते हैं जिसमें हम स्टूडेंट्स के सामने फॉल्ट रिपेयर करते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर पेस्ट लगा लिया, पेस्ट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब थोड़ा सा इसको रिसोल्व करेंगे। रिसोल्व करने के लिए हमने क्या करा, अभी यहाँ पर हमने आयरन को लगाया है तो थोड़ा ये टाइम लेगा, तो यहाँ पर हम इसको पहले रिसोल्व कर लेंगे। रिसोल्व करने के बाद इसको हम चेक करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इसको साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बड़ी ध्यान से काम करना है, क्योंकि क्या है अगर आपके जो पिन है अगर एक भी शॉर्ट रह गई तो दिक्कत हो सकती है आपको। तो यहाँ पर हम बिल्कुल साफ़ कर लेंगे, और आप जब भी काम करते हो तो पूरा कॉन्सनट्रेट होना चाहिए, बिकॉज अगर आपका कॉन्सनट्रेट नहीं रहेगा तो काम ख़राब हो सकता है वहाँ पर आपका। यहाँ पर हम इसको रिसोल्व कर लेते हैं, क्या है कि इसकी पिने काफ़ी रस्ट दिख रही थी मेरे को। इसको हम आप जब भी पैनल को चेक करते हो तो पैनल आप जब भी चेक करो तो उसको सबसे पहले आप उसकी सभी वोल्टेज को चेक करना है, क्योंकि बहुत टेक्नीशियन करते क्या है कि अगर उन्हें वोल्टेज का ही पता नहीं रहता और वो कोई भी ट्रैक कट करने लगते हैं तो वो सही तरीका नहीं है रिपेयर करने का। सही तरीका एक ये है कि आपको सभी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि पैनल को कैसे चेक करना है, वो सभी चीज़ें हम अपनी ट्रेनिंग में बताते हैं आपको। तो यहाँ पर हमने इसको रिसोल्व कर लिया है, रिसोल्व करने के बाद इसको हम थोड़ा थिनर से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि क्या होता है कई बार पेस्ट हम इसको कर लेते हैं साफ़। जब भी आप काम करो तो उसको क्लीन ज़रूर करना है, अगर आप क्लीन नहीं करोगे तो कई बार दिक्कत दे जाता है ये। तो हमने यहाँ पर अभी क्या है इसको पूरा क्लीन कर लिया है, क्लीन करने के बाद अगर हम इसकी पिनें चेक करते हैं तो पिनों आप देख सकते हो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक छोटा सा अभी रह गया है, तो इसको हम क्या करते हैं थोड़ा सा एक यहाँ पर लगा देते हैं आयरन, और यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर देखो ये साफ़ हो गया।
अब क्या है यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हम पावर देके चेक करेंगे कि पावर देने के बाद हमारे पैनल की क्या कंडीशन रहती है। तो यहाँ पर हम करते हैं अपने सिस्टम सेट को पावर देते हैं। तो यहाँ पर पहले हम LVDS लगा लेंगे, तो LVDS लगाते हैं। यहाँ पर ही LVDS लगाने के बाद अगर हम यहाँ पर इसको हम पावर देते हैं, पावर देने के बाद इसके हम वोल्टेज चेक करते हैं। अभी आप देख सकते हो इसमें क्या है कि पिक्चर भी हमारी ओके हो चुकी है। तो यानी कि जो इसमें प्रॉब्लम आ रही थी वो आपकी जो प्रॉब्लम थी वो टिकोन आईसी की थी, जो कि हमारी रस्ट हो गई थी जिसकी वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही थी, लाइनिंग बार्स देखने के लिए मिल रहा था। और अगर मैं इसकी वोल्टेज चेक कराऊँ आपको, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमारी AVDD की वोल्टेज बन रही है, बूस्ट वोल्टेज। और यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं जो हमारी VGHP थी, तो VGHP अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें 30 वोल्ट के अराउंड यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये VGL की वोल्टेज है, जो कि हमारी माइनस में वोल्टेज देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर अगर आप अभी देखोगे तो हमारी जो पिक्चर है बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रही है और ये पैनल हमारा ओके हो गया है। तो इस तरीके से आप किसी भी पैनल को ओके कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।